टू ऑनलाइन क्लासेस और स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9, 8 एंड 11। तो पहले इसके आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9, 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 11 का फैक्टर 1, 11। अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर लेना है, तो आप देख रहे हैं तीनों में एक जैसा नंबर कौन सा है, 1। दिस इज आंसर। पार्ट नंबर बी 24, 16 एंड 32। 24 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 16 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16। 32 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसमें आपका पेयर बनता है, जैसे देखिएगा 24 बन जा 12 2 जा 8 3 जा 24 6 4 जा 24। 16 के पेयर में 16 बन जा 16 8 2 जा 16 4 4 जा 16। 32 के फैक्टर 32 बन जा 32 16 2 जा 32 8 4 जा 32। अब इसमें कॉमन देखिएगा, सभी में कॉमन है 1 के बाद आप देख रहे हैं 2 के बाद 4 के बाद 8। तो कॉमन फैक्टर आपके हो गए 1, 2, 4, 8। दिस इज आंसर। 16 इन दोनों में, लेकिन ऊपर वाले स्टेप में 16 नहीं, तो 16 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। आपको ये देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 4, 8 कॉमन फैक्टर। होमवर्क पार्ट नंबर सी एंड डी। That's